हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। ये वाली जो वीडियो है ये है उन इग्नू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी डिग्री जो है पिछले साल कंप्लीट की है दिसंबर 2021 में या अब जून 22 में, तो उनको है अपनी डिग्री का इंतज़ार। तो डिग्री कैसे मिलेगी ये हम आपको बताएंगे। उसके लिए पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तभी जो है आपको आपकी डिग्री मिलती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो इसमें जो है आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले जाना है। पूरा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे, ignu.ac.in। तो इस पे आप जब जाएंगे तो नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अलर्ट्स सेक्शन में आपको मिलेगा देखने को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 36th कॉन्वोकेशन इज लाइव फॉर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। 66th कॉन्वोकेशन जो होगी आपकी, वो जो अभी डेट्स उसकी की हैं, टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो जैन या फैब में होगी 2023 में, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है उसके वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। और किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपना जो है कोर्स दिसंबर 2021 में, जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स, बैचलर्स या मास्टर्स जो भी आपने की है, कोई डिप्लोमा किया है, या फिर आपने जो है आपके लास्ट जो टर्म एंड एग्ज़ाम्स थे वो जून 2022 में हुए थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने इन पर्सन कॉन्वोकेशन अटेंड करना है या डिग्री आप डिप्लोमा या आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो आप पोस्ट से लेना चाहेंगे। तो एज़ यू विश यू कैन अप्लाई एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो अगर आप विज़िट कर सकते हैं तो आप इन पर्सन फिल करें, अगर आप बाई पोस्ट मंगाना चाहते हैं तो आप बाई पोस्ट जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपने अभी अप्लाई कर दिया और आपकी ये क्वेरी रहती है कि हम जब भी हमें डिग्री मिलेगी, हो सकता है उस टाइम फ्री ना हो, उस दिन ना जा पाएँ, तो इस केस में जो है यूनिवर्सिटी आपको बाय पोस्ट जो है आपकी बाद में डिग्री भेज देगी, या आप जो है अपने रीजनल सेंटर से भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर प्रेजेंट एड्रेस। आपको जहाँ पर भी अपना रिसीव करना चाहते हैं आप डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस चुनिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। भले ही आपने जब एडमिशन के टाइम कोई भी एड्रेस डाला था उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ एट प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ आपको डिग्री चाहिए, आप वो एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। और एक इंटीमेशन आपको मिलेगा जब भी, जैसे आपने अभी अप्लाई कर दिया तो जब भी कॉन्वोकेशन होगी तो आपको मेल आ जाएगी, या आपको आपसे जैसे फ़ोन नंबर भी डलवाया जाता है, आपको मैसेज जो है मिल जाएगा कॉन्वोकेशन के लिए। इसके लिए चार्जेस हैं, इस आपको जो ऑनलाइन पे करने हैं। अगर आप इनकी डिग्रीज, आपने पीएचडी, एमफिल, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, ये कोई अगर आपको चाहिए है डिग्री या डिप्लोमा, तो आपको 600 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको का पीजी सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ जो है पे करने हैं। और फ़ी जो है वो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, एज यू विश यू कैन पे। और फिर क्लिक हियर टू प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट, मतलब जब, या फिर आप 48 आवर्स तक वेट करें। जब अगर आपने फ़ी पे कर दिया है तो आप एक्नॉलेजमेंट अपना स्लिप जो है डाउनलोड कर लें। कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी है आपको कॉन्वोकेशन फ़ी करने में, पे करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स के दौरान, या फिर आपको ये ईमेल आईडी दी है convocation_feequery@ignu.ac.in, आप यहाँ पर जो है मेल कर सकते हो। ये तो फी संबंधित, अगर कोई पेमेंट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर, अगर आपकी कोई और जर्नल क्वेरी है तो आपको ये नंबर दिया है इस पर, या फिर convocation@ignu.ac.in, इस पर आपने करना है। देखो स्टूडेंट्स ऑफ MPA जिन्होंने 2027 तक, जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया था MCA MCOM, दे आर रिक्वायर्ड टू रिमिट रजिस्ट्रेशन फीस। उनको जो है 600 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट जो है पे करना है। और इफ़ दे हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम, तो मतलब जितनी आपको, सपोज़ आपने 2 या 3 प्रोग्राम्स में रजिस्टर कर रखा था, तो सबके लिए आपको इंडिविजुअली जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी।
फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन आप देख पा रही हैं कि आपने सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ ली हैं, तो आप जो है यहाँ डिक्लेरेशन पर एक चेकबॉक्स बना है, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आगे आई एग्री एंड प्रोसीड करना है। फिर आपको जो है अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, और इसमें अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो, और अगर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे तो आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे और फिर आप जो है प्रोसीड करेंगे। तो ये क्राइटेरिया होता है इग्नू से डिग्री रिसीव करने का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। और अगर आपकी कोई क्वारीज हैं इससे रिलेटेड, तो मैंने आपको जो ईमेल आईडी बताई है और जो फ़ोन नंबर बताया था इस वीडियो में, आप वहां पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।